हेलो फ्रेंड्स, टुडे आर्ट कीपर विल बी शोइंग यू समथिंग वेरी यूनिक। ये है शंकर मार्केट न्यू दिल्ली। ऑन माय लेफ्ट इज कॉनॉट प्लेस, ऑन माय राइट इज ललित होटल, और ये सामने है शंकर मार्केट। आज जहां हम ले जाएंगे आपको, वहां मिलेंगे रेयर बुक्स ऑन आर्ट, रिलीजन, ऑन पामिस्ट्री, ऑन हिस्ट्री एंड सो मेनी मोर। तो अंदर चलते हैं। और ये है जगह, ये चार नंबर, इसके अंदर ये जो कहेंगे चार नंबर गली या लेन है, दैट्स नंबर 4। यू हैव टू गो बाय नंबर 4 एंड हियर यू गो स्ट्रेट, एट द एंड यू विल फाइंड ऑन योर राइट पिकाडिली बुक स्टॉल, नॉट स्टोर, पिकाडिली बुक स्टॉल। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और पनीर तो बहुत लाजवाब मिलता है। यहाँ पे एक पनीर का स्टॉल भी है, आप एक सरदार जी यहाँ पे बेचते हैं, बहुत ज़बरदस्त पनीर बेचते हैं यहाँ पे, मसाला पनीर होता है यहाँ पे। और यहाँ पे मिलता है आलू चाट, चाट पापड़ी और आलू की टिकिया, यूनिक और बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, आप आइए एक बार शंकर मार्केट में, बिल्कुल कॉर्नर प्लेस के पास। और एक ज़माने में यहाँ पे हुआ करता था सुपर बाज़ार, व्हेन आई वाज अ किड, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s and 90s की बात है, तब सुपर बाज़ार था, अभी तो है नहीं यहाँ पे। एंड दिस इज़ द स्टोर, पिकाडिली बुक स्टॉल, और ये काफ़ी पुराना है, 1947 से है यहाँ पे। यस, 1947। आज जो हैं देख रहे हैं, जो लेडी देख रहे हैं, एक करेजियस लेडी, कटसी औरत हैं ये, वो देख रहे हैं, दैट्स रैना चौधरी। अभी हम उनसे भी बात करेंगे, उनके दो स्टाफ हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये हैं लेडी, हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी इंटरव्यू दिखाएंगे आपको। बट फर्स्ट लेट्स सी ऑल द बुक्स, हाँ, रेयर बुक्स हैं। अगर आपको टाइम मिलता है, डू विजिट दिस बुक स्टॉल, डोंट मिस इट। आपको बहुत सारे अच्छे किताबें मिलेंगी ऑन आर्ट, ऑन कल्चर, पामिस्ट्री, ऑन फेस रीडिंग, ऑन रिलीजन, गॉड नोज सो मेनी स्टफ। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। And now you'll be looking at things which are rare. और एक जगह आपको हम दिखाएंगे जो बहुत ही सीक्रेट है। जी हाँ, सीक्रेट है, एक सीक्रेट है, वहाँ उनका गोडाउन है, वहाँ उनके सारे यू नो रेयर बुक्स वहाँ पर रखे हुए हैं। एंड यस, दिस शॉप इज़ ओपन, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक खुला हुआ है, संडे इज़ ऑफ, सो डू विजिट दिस शॉप वेन एवर यू गेट द टाइम। टाइम निकालिए यार, टाइम निकालना पड़ता है फॉर बुक्स, यू नो रेयर बुक्स को देखने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। यू हैव टू इनकल्केट दिस हैबिट, अपने बच्चों को भी दिखाइए बुक्स क्या होता है। लेकिन नहीं तो एक टाइम आ जाएगा जब हम लोग सिर्फ चीज़ों को सिर्फ मोबाइल में देखेंगे और किंडल में देखेंगे, पता नहीं, और उसको कभी हम पेपर्स को टच नहीं कर पाए, कभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि नॉस्टैल्जिया क्या होता है, स्मेल नहीं कर पाएंगे पेपर्स को, है ना, बुक्स को स्मेल करिए, मज़ा आएगा। आइए यहाँ पे एंड लुक एट दिस बुक्स, बुक्स ऑन आर्ट, ऑन हिस्ट्री, पामिस्ट्री, रिलीजन, गॉड नोज सो मेनी थिंग्स, एंड यू हैव टू एक्सप्लोर। आप जब जाते हैं बुक स्टोर पे, आप सिर्फ टाइटल्स नहीं देखते हैं, यू ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स, है ना, आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, एक्सप्लोर कीजिए, है ना, वास्को डगमा बन जाइए, एक्सप्लोर कीजिए उसे, है, और देखिए उन चीज़ों को जो बाकी लोगों ने नहीं देखा है। एंड इफ़ यू वांट टू बाय, डू कलेक्ट दिस बुक्स। मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं बुक्स देख के पागल हो जाता हूँ बिल्कुल। और बेसिकली मेरा डॉक्यूमेंटेशन करने का मन तभी किया जब मैं शंकर मार्केट में घूम रहा था और मैंने इस बुक स्टॉल को देखा और इनके कलेक्शन को देखा, एंड आई वाज टोटली जैप्ड, नो यू नो मैं
सोच नहीं पाया कि इतने तरह के बुक्स हैं इनके पास और इतने रेयर बुक्स हैं और लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में। दैट्स द थिंग। एंड सैडली एज अ सोसाइटी एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंडिया, वी आर लूजिंग दिस हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। पता नहीं, एक ज़माना था जब हम बच्चों को बर्थडे पे किताबें, बुक्स गिफ्ट करते थे। आज हम मोबाइल या कुछ और देंगे, है ना, गिफ्ट कूपन्स और मे बी समथिंग एल्स, या बाइक, है एक बाइक दिया जाए, लेकिन बुक्स नहीं देंगे। पता नहीं, एक ज़माना था जब बुक्स हमें मिलते थे बर्थडे गिफ्ट में, यहाँ तक है शादी में, मेरी माँ के शादी में, मतलब व्हेन माय पेरेंट्स गॉट मैरिड, इतने सारे किताबें उनको मिली हैं सिर्फ गिफ्ट में, मतलब मैरिज में मिला था गिफ्ट में किताबें, इंस्टेड ऑफ यू नो क्रॉकरीज एंड बाकी सारी चीज़ों के अलावा। अभी तो कोई सोचेगा नहीं कि कोई मैरिज में जाके बुक्स दे, उनको तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ महंगा, नहीं तो उनका स्टेटस खराब हो जाएगा। सो दिस आर बुक्स विच आई एम ट्राइंग टू यू नो आई एम ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट सो दैट पीपल गेट टू नो दिस काइंड ऑफ बुक स्टॉल्स और बुक शॉप्स इन दिल्ली और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत सारी जगह हैं, आप कैलकाटा में जैसे है कॉलेज स्ट्रीट, वहाँ पर आपको बेहतरीन बुक्स मिल जाएंगे, रेयर बुक्स, बहुत बढ़िया। दरियागंज में संडे बुक मार्केट बैठता है, वहाँ पे आपको बहुत सारे रेयर बुक्स मिल जाते हैं, कभी कभी मैगजीन्स मिलते हैं, बुक्स तो नहीं मिलते, मोस्टली मैगजीन्स मिलते हैं आपको, कभी कभी आपको बुक्स मिल जाते हैं। लेकिन इस तरह के कोने कोने में जो छोटे बुक स्टॉल्स हैं, शॉप्स हैं, आप उनको भी देखिए, उनको भी जानिए, उनको विजिट कीजिए एंड ट्राई टू सपोर्ट देम, बाय फ्रॉम देम, यस, कलेक्ट दिस रेयर बुक्स, क्योंकि एक ज़माना होगा जब ये बुक्स आपको नहीं मिलेंगे कभी। टच देम, फील देम, स्मेल देम, दैट्स इट, दैट्स द थिंग।
प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम चंद्रशेखर सर। चंद्रशेखर जी, आप थोड़ा बताइए, आप ये तो है आपका गोडाउन जी सर, ये आप ये देख सकते हैं पिकाडिली बुक, उसके पिकाडिली बुक स्टॉल के ऊपर हैं हम, एंड दीज आर रेयर बुक्स, और ये पूरा खजाना है इनके पास। अगर आप आ रहे हैं शंकर मार्केट में, बी हेयर, और देखिए रियर बुक्स, मोस्टली रियर बुक है, सब रियर बुक्स हैं। सो इफ यू आर विजिटिंग दिल्ली, और अगर आप दिल्ली में हैं भी, शंकर मार्केट में आइए, आके पिकाडिली बुक्स से यू कैन बाय बुक्स ऑन आर्ट, रिलीजन, एवरीथिंग, कल्चर। सी दिस, अभी भी खजाना है, बहुत सारा खजाना है इस साइड, सारे साइड, बहुत साइड। चंद्रशेखर जी आप मुझे लेके जा रहे हैं, वो मेरे गाइड हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। यस, बाप रे बाप रे, ये वाली तो आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन छोटी किताब है, कुछ है ही नहीं इसमें ऑथर वगैरह। ये आउट ऑफ प्रिंट है? हाँ जी, बहुत अच्छी किताब लगती है। ये सारी मोस्टली रेयर बुक्स हैं, आप देख पाते हैं। अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि छत बहुत, हाइट बहुत छोटा है। ये शॉप के ऊपर है जहाँ हम आप लोगों को रेयर बुक्स के पूरे कलेक्शन इनका दिखा रहे हैं, अंदर ऑब्वियसली फॉर सेल, ये आप खरीद सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आप खरीद सकते हैं, दिस ऑल फॉर सेल, इनके पूरे कलेक्शन में हैं, देखिए। सो लॉकडाउन के बाद फिर से चीज़ें शुरू हुई हैं, और आप ज़रूर आइए, घर से बाहर निकलिए और बुक्स खरीदिए। अब देखिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे लाइट है नहीं, जितना मैं दिखा पाता हूँ वो उतना मैं दिखाऊंगा आपको। चंद्रशेखर जी अपना मोबाइल ऑन कर चुके हैं लाइट, और मोबाइल के लाइट में ही हम लोग देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। तंत्रा योगा पे बुक्स हैं, निक डॉगलस के हेरिटेज ऑफ बुद्धिज्म, इंडियन बुद्धिज्म, ओह माय गॉड, बहुत है, बहुत सारा है। श्री राम कृष्णा, हम लोग अब दूसरी तरफ जाएंगे, कुछ किताबें यहाँ हैं। उस साइड में भी है, लेकिन उधर थोड़ा सामान रखा। हाँ, वो सामान है, चलिए मैं यहाँ से, काफ़ी है। उधर में कल टाइप बनाया हो गया, इस टाइप के बहुत अच्छे बुक्स हैं, वाह।
तो इस खजाने से अब हमें बाहर निकलना है, तो इससे हम बाहर निकलेंगे। सो टुडे आई विल बी एंटरिंग दिस स्पेस ऑफ पिकाडिली बुक स्टॉल जो शंकर मार्केट में है। मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये पूरा एरिया है यहाँ पे शंकर मार्केट में और इसके अंदर है ये बुक स्टॉल। सो इनकी जो ओनर है एट प्रेजेंट, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और बुक स्टोर के बारे में, जो ये बुक स्टॉल है उसके बारे में। मैम नमस्कार। हेलो मैम, मैं आर्ट कीपर की तरफ से हूँ और मुझे थोड़ा पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपने नाम को बताइए और फिर बताइए इस स्टॉल के बारे में। स्टोर नहीं बोलूँगा, स्टॉल, क्योंकि यहाँ पिकाडिली बुक स्टॉल लिखा हुआ है। जी, किसने शुरुआत की, कब शुरुआत हुई इसकी? मेरे फादर इन लॉ। मैम पहले अपना नाम प्लीज बताइए। मेरा नाम रैना चौधरी है जी, और वाइफ ऑफ नरेंद्र कुमार चौधरी। ओके। ये स्टोर पाकिस्तान और इंडिया जब सेपरेट हुए थे तब 1947 में हमको स्टोर मिला था। ओके जी। कुछ टाइम तक बाहर फुटपाथ पे बुक्स लगाई थी, उसके बाद ये शॉप अलॉट हो गई थी। ओके। इस स्टोर को चलाया था मेरे फादर इन लॉ श्री सत्यपाल चौधरी, जो अब नहीं है, और उनके बड़े ब्रदर मोहन लाल चौधरी ने। ओके। तो और ये पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के बाद। हाँ, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए थे, और तब तो इन्होंने शुरू किया था स्टेशनरी एंड नॉवेल्स एमबी बुक्स से। ओके। तो कुछ टाइम ही किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड को और मेरे फादर इन लॉ को, उनके ब्रदर को ये था कि हम कुछ ऐसा काम करें जो दुनिया में कोई नहीं करता, वो बुक्स रखें। ओके। तो हमारी शॉप पे ही आए पापा जी कुंजा महाराज, ये हमारी शॉप पे आए। उन्होंने बोला बेटा तू ये क्या काम कर रहा है, मेरे फादर इन लॉ को बोला। उन्होंने सारी एमबी स्टेशनरी ऐसे ही बंटवाई और सबसे पहले ये बुक लेके आए चंद्रशेखर, ये आई एम दैट। ओके। ये लेके आए और एक बुक और है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ओके। ये दो बुक्स, ये हिंदी में, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है जी। ये दो बुक्स लेके आए ये पुंजा महाराज जी, कि आप इन बुक्स से ये शॉप शुरू करो और बहुत बरकत होगी। सब स्टेशनरी हमने गरीब बच्चों में बांट दी और नॉवेल्स सब ऐसे जितने में भी बिका सस्ते में ऐसे उठा दिया। ये दो बुक शुरू की, उसके बाद हमने स्पिरिचुअल बुक्स का मेरे फादर इन लॉ ने कलेक्शन शुरू कर दिया। ओके। उनको ये नहीं था कि हमें बिजनेस करना है, उनको लगता था हम ऐसी बुक्स रखें जो दुनिया पढ़े, हमारी हिंदुइज्म के बारे में जाने, हमारी माइथोलॉजी जाने, नहीं तो हमारे बारे में पता ही नहीं है। एक गीता भी हमारे पास 20 तरह की है। अच्छा। हाँ, एक वही गीता नहीं है जो जो लिखी गई है, वो भी 20 टाइटल मिलेंगे आपको अलग अलग लिखे हुए। क्योंकि आपके यहाँ पे खासियत यह है कि आपके रेयर बुक्स बहुत हैं। रेयर बुक्स मैं देख चुका हूँ, इससे पहले मैं वीडियो कर चुका हूँ, आर्ट पे भी है, रिलीजन पे भी है, सारी चीजों पे है, माइथोलॉजी जी, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी सारी, और ये सब आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, टैरेट कार्ड्स, ओके, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं और ये मतलब इसकी तब जब शुरू हुआ था उनके पास कलेक्शन क्या था, इतनी ही सारी किताब थी और इससे नहीं, ये दो बुक्स जब स्टार्ट की तो 20 कॉपीज इसकी, 20 इसकी लेके रखी। ओके। उसके बाद सब पब्लिशर से कांटेक्ट किया जी, और जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स थी मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ बुक लेते थे, मंगवाते थे, पब्लिशर्स के सेल्समैन आते थे, पहले पीछे पूरा कोटेशन पढ़ते थे। ओके। उनको जो बुक अच्छी लगती थी अपनी शॉप पे रखते थे। ओके। वो ऐसे कदम बढ़ाया कि हमारा बेस्ट बुकशॉप अवार्ड मिला हमें गवर्नमेंट से। जी, मैं देख चुका हूँ कि आपके यहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी हैं और हाँ, कुछ आर्टिकल्स भी हैं न्यूज़पेपर्स में, शायद आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स के हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब हमारा इंटरव्यू ले चुके हैं। ओके। तो मेरी डॉटर को बहुत शौक था पब्लिशिंग में करूँ, लेकिन उस समय ये लोग अभी आगे बढ़ रहे थे, बोला पब्लिशिंग अभी हम नहीं करते, ये सब करते हैं, थोड़ा रुक के हम पब्लिशिंग भी शुरू कर देंगे। ओके। मैम आपको लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस और इकोनॉमिक जो आपको स्ट्रगल करना पड़ा, इकोनॉमिकली जो आपको फेस करना पड़ा, उसके बारे में भी कुछ बताइए। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं चाहती थी हस्बैंड के साथ शॉप पे आऊँ, बुक्स की नॉलेज लूँ, लेकिन घर में क्योंकि मदर इन लॉ थी और बच्चे छोटे थे, उनको स्टैंड करना था, उनकी खातिर मैं शॉप पे नहीं आई। तो मेरा बेटा ऐसे, उनकी उसके मेहनत थी, वो पायलट हो गया जी, और बेटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सीनियर एडिटर हो गई। ओके। उनकी खातिर मैं शॉप नहीं आई। अब मुझे लगता है कि मैं उस समय आती तो इतनी नॉलेजफुल बुक्स हैं तो मैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती।
अब मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया इसमें, और जो कोरोना आया अभी लॉकडाउन हुआ उसमें हद से ज्यादा लॉस हुआ, केवल ऑनलाइन बुक्स चली और शॉप खोलने नहीं देते थे, बाहर बैठते थे लड़के टेबल लगा के, शटर अप करके दो चार बुक्स निकालते थे डालते थे, उसमें बहुत लॉस हुआ जी। उससे हमारे कस्टमर भी बहुत टूटे जी। तो उसमें मतलब बिल्कुल डाउन हो गया एकदम। ऑनलाइन जो लेता था लेता था, जो घर बैठ के पढ़ना चाहता था स्पिरिचुअल बुक्स, लेकिन शॉप नहीं खोलने देते थे। तो अभी आप ही देख रहे हैं आपके हस्बैंड? हाँ, फिर मेरे हस्बैंड एक बार 1980 में यहाँ पर इसी सीट पे बैठे हुए थे, यूएसए से एक लेडी आई, उसने उनसे पूछा कि आपके पास लॉलिता बुक है? लॉलिता जी। हस्बैंड ने बोला नहीं, आई डोंट नो अबाउट द बुक्स। तो वो लेडी बोली, देन व्हाई आर यू सिटिंग हियर? वो दिन था मेरे हस्बैंड को पिंच कर गया, उस दिन से उन्होंने बुक्स में इंटरेस्ट लिया, 1980 की बात है। उसके बाद उन कोई भी कस्टमर आ जाए, धीरे धीरे उन्होंने बहुत कुछ एक साल के अंदर सब 6 महीने में ही सब कुछ सीख गए। जो भी कस्टमर आ जाए, ये चंद्रशेखर हमने एक लड़का रखा हुआ था 2002 से, वो उसको बोलते थे ऊपर जा थर्ड रो में पीछे की साइड में ग्रीन कलर की बुक होगी, वो कस्टमर मांग रहा है। इतनी नॉलेज हो गई थी उनको जी। वो पॉइंट उनको लोलिता बुक से ऐसा मिला कि वो बहुत आगे बढ़ गए। ओके मैम, ये जो किताबें आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हैं, इसका पहले सेल्स कितना था, पहले मतलब लॉकडाउन से पहले? वो ऐसा था कि मेरे को एक मेरे पास रेड बैग होता था, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ जी। मैं वो बैग हस्बैंड के टाइम फुल करके जाती थी। ओके ये हालत थी मतलब हमारी, तो हम लोगों ने सेल्स की बात कर, हाँ सेल्स की बात कर, राइट। वो रेड बैग इतना लकी हम मानते थे, डेली में फुल करके जाती थी। यहाँ पर इंदिरा गांधी कितनी बार आई, मेनका गांधी तो अब तक आती हैं, वरुण गांधी, मेनका गांधी तो अब तक आती हैं, दोनों आते हैं, कभी वरुण गांधी कभी मेनका गांधी, वीपी सिंह, अभी कुछ टाइम पहले आई थी उमा भारती। और आपने सीरियल देखा होगा रामायण महाभारत रामानंद सागर का, वो सीन मैं भूलती नहीं हूँ। वो बाहर बैठे थे, उनके दोनों साइड बुक्स के बंडल थे पूरे, रामानंद सागर खुद, अच्छा रामानंद सागर जी आ गए, बिल्कुल यहीं बैठे हुए थे, और इतनी बुक्स लेके गए थे, जितनी तरह की रामायण जितनी तरह की महाभारत। ये सीरियल करने से पहले, रिसर्च करने से दौरान, की ना स्टडी करने के दौरान स्टडी करी उन्होंने, तो आपसे किताबें खरीदी। ओके मेरे ख्याल से 200 या 300 तो रामायण महाभारत वो लेके गए यहाँ से, गीता सब कुछ। सीरियल बनाने से पहले स्टडी करना जो था, ओके रिसर्च बोला मुझे सीरियल बनाना है जो बेस्ट हो सकता है मुझे, तो 1 वीक वो डेली आते रहे, तो मेरे हस्बैंड जहाँ से भी कलेक्ट कर सकते थे और रामायण गीता महाभारत सब बुक्स स्पिरिचुअल जो भी हेल्पफुल थी उनको कलेक्ट करके देते रहे। अभी आपके सेल्स में क्या है, अभी सेल्स कैसे हैं, सेल्स इज इट गोइंग ऑन, टफ है सिचुएशन? बहुत ज़्यादा टफ है, सोच के आती हूँ कि आज कस्टमर आएगा, मैं पूजा करके आती हूँ घर में कि ये भगवान कुछ तो सेल हो जाए। ये हो गया है ऐसा, क्योंकि लोग किंडरगार्टन और ये मोबाइल और लैपटॉप इसमें लग गया सब। नहीं, किताबों का एक और भी है कि टूरिस्ट भी आपके शायद, हाँ मैं आपको यही बोलने वाली थी, हमारा मेन टूरिस्ट है, हमसे ज़्यादा वो लोग लेने लगे, हमारे पास मोस्टली इंग्लिश में बुक्स हैं, वो टूरिस्ट के रुकने से हमें लॉस हुआ है। हाँ, टूरिस्ट का जो आपका जो इनफ्लो जो रुक गया है उसके दौरान भी आपको बहुत लॉस हुआ है, उसी से बहुत लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो हम हर बार होटल वगैरह में होटल्स में पता करते हैं टूरिस्ट कब स्टार्ट हो रहा है, कब बुकिंग हो रही है, उस वो आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके टूरिस्ट की वजह से बहुत लॉस है। तो आपका अभी आपका फ्यूचर क्या सोचते हैं, कि ये जो किताबें हैं इसको फिर आप ऑनलाइन ले जाएंगे या आपका बेटा? ऑनलाइन तो चल रहा है अमेज़न से, ओके उसकी वजह से ही शॉप खुल रही है, ऑनलाइन चल रहा है आपका? हाँ ऑनलाइन अमेज़न से चल रहा है, पर उतना फ्लो नहीं है जितना होना चाहिए, जिससे हमारा इंटरेस्ट हो कि हम और बुक्स ले लेकर, ये जो सेल हो गई हैं और ले ले, वैसे तो मिलती नहीं है रेयर बुक्स वाली हमारे पास। मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, जैसे कोई रेयर, उनको पता था आगे आने वाले टाइम में ये पब्लिशर नहीं रहेंगे, एज ज़्यादा है या ये रेयर बुक्स होने वाली है, उन्होंने एक एक बुक की 50-100 ऐसे कॉपीज ले ली, कॉपीज ले ली। हाँ वो ज़्यादा लेने पर डिस्काउंट भी मिलता था और उनको पता था ये चलेगा। मैंने अभी ऊपर जाके भी देखा है आपका एक गोडाउन है जहाँ पे बहुत सारे रेयर बुक्स रखी हुई हैं, तो ये जो रेयर बुक्स हैं ये आप मेंटेन कैसे करते हैं, ये तो चैलेंज है आपके लिए कि ये डैमेज ना हो और ये ठीक रहे ताकि वो रीडर्स तक जा पाएं? डेली डस्टिंग होती है। ओके और वंस इन अ वीक इनको ऊपर भेजती हूँ, जाओ हर खाने को चेक करो, किसी का प्लास्टिक फटा है उसको चेंज करो, और कुछ बुक्स जो गंदी हो जाती है नीचे उतरवा के उनको क्लीन कराती हूँ एक मार्क से। बहुत हार्ड वर्क है,
मैं दो लड़के और भी रख सकती हूँ अगर मेरी सेल हो तो, मैं दुकान को कहाँ से कहाँ ले जाऊँ। अभी आपके दो जो स्टाफ हैं उनके क्या नाम है? एक का नाम चंद्रशेखर, वो 2002 से है यहाँ पर जी, और एक शेजी, ओके, ये 2019 से है। अच्छा, दोनों यहीं पे काम कर रहे हैं। हाँ, इससे पहले दो और थे, ओके, वो उनकी आगे स्टडीज करके कहीं गवर्नमेंट जॉब में चले गए। सो फाइनली मुझे एक चीज़ बताइए कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू Ask people, like, मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने कल्चर के बारे में, अपने हिंदुज़म के बारे में, अपने इन ग्रंथों के बारे में जानिए, यहाँ तक कि आर्ट के बारे में। हाँ, आर्ट के बारे में, आप आयुर्वेदा के बारे में। आप लोगों को ये बुक्स, जो एक बार मेरा बेटा शॉप पे आया और वो बुक्स की पूरी वीडियो बना रहा था, तो कहता मम्मी अगर ये बुक्स हम सब पढ़ लें ना, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी नॉलेजफुल बुक्स हैं। तो बच्चे ये जो नॉवल्स पढ़ रहे हैं और ये फिक्शन की बुक्स पढ़ रहे हैं, एक बार इसमें घुस जाएंगे ना, उनको पता चलेगा हमारे हिंदुइज्म में है क्या, क्यों हमारा सनातन धर्म इतना आगे है। और आर्ट के बारे में भी आपके पास, आर्ट के बारे में पेंटिंग्स बहुत हैं, पेंटिंग बुक्स बहुत हैं हमारे पास, एक से एक तंजोर पेंटिंग, दूसरी सब तरह की पेंटिंग, तिब्बतीन पेंटिंग्स इतनी हैं। क्योंकि आर्ट कीपर की तरफ से मुझे इसलिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ क्योंकि आपके आर्ट की बुक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं और बहुत रेयर हैं। इन्हीं अच्छी बुक्स के कारण मेरी बेटी भी पेंटिंग में आ गई है। ओके, कहती है मम्मी ये बुक्स कहीं अवेलेबल नहीं है, और वो इनको देख कर ही इतनी शानदार पेंटिंग्स कर रही है। तिब्बतीन पेंटिंग्स पे तो बहुत बुक्स है हमारे पास। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला और आर्ट कीपर से बात किया। हिंदुस्तान टाइम्स वाले आए, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, सभी लोग इंटरव्यू लेके गए हमारा। और आपको एक दो बात और बताऊं, दो मूवीज की शूटिंग हुई है आपके शॉप में। हाँ जी, बताइए कौन कौन से। कोविड से पहले अगर आप छपाक मूवी देखेंगे, छपाक राइट, छपाक दीपिका पादुकोण और विक्रांत की जी, तो उसमें 10 times इसी शॉप की शूटिंग है पूरी। पूरा बाहर 1 week गार्ड से घेर दिया गया था, दीपिका पादुकोण का यहीं पर AC लगा के केबिन बना था, और गुलजार की बेटी वो बाहर उसका केबिन बना हुआ था। अच्छा, इसी शॉप में ही? बिल्कुल इसी शॉप के है। ओके, और सनी वेड्स गिन्नी। अच्छा, सनी वेड्स, यामी गौतम एंड विक्रांत, वो भी यहीं पे हुआ था शूटिंग। वाओ, ये और तो इस शॉप की फेमस, वो देख के उन्होंने हमारा घर देखना चाहा शॉप के कारण ही, और शॉप घर में भी आके शूटिंग की। वाओ, दिस इज समथिंग गुड। बोले एक तो आप बुक्स इतनी अच्छी है, और जो फिल्म शूटिंग वालों ने, उनके 50 तो बॉडीगार्ड्स थे जी, प्लस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस सब थे। इतनी बुक्स उन्होंने खरीदी, शायद कोई कस्टमर भी कभी नहीं खरीदता हो। कहते हैं बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल ये और स्पेशली अमर चित्रकथा की रामायण एंड महाभारत कॉमिक फॉर्म में, वो बहुत ली, पूरे पूरे सेट। ओके, ये भी सेट सब करके लेके गए। वाओ, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ ये लोगों को पता चले, पता चले, बिल्कुल आगे चले। अगर ऐसी बुक शॉप जी कहीं भी मिलती है तो मैं गारंटी देती हूँ कि मैं उस पर्सन को कहूँगी तुम ये शॉप ले लो, ये ऐसी शॉप कहीं है ही नहीं, ये बुक्स अवेलेबल ही नहीं है कहीं जी। बिल्कुल, मैंने क्योंकि देखिए मैं कलकत्ता में, कोलकाता में मैंने बहुत सारे बुक्स देख चुका हूँ, बुक शॉप्स देख चुका हूँ, कॉलेज स्ट्रीट घूम चुका हूँ बहुत बार, और वहाँ पर रेयर बुक्स देख चुका हूँ, कलेक्शन वहाँ पर है, लेकिन दिल्ली में मैंने इस तरह के बुक्स नहीं देखे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बुक्स तो हैं, बुक स्टॉल तो दिल्ली में बहुत सारे हैं, एक ही लेकिन पर ऐसा कलेक्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, एक ही जगह में, एक ही शॉप में आपको इतने सारे रेयर बुक्स नहीं मिलेंगे। बुक्स दिल्ली मिलेंगी में मिलेंगी, दो कहीं, 10 कहीं, 15 कहीं ऐसे मिलेंगे जी, लेकिन जी, एक ही शॉप पे ये कलेक्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर कोई बुक हमारे पास नहीं होती तो 100% कोशिश करते हैं कि एक दिन का टाइम लेके आप कलेक्ट कर दें, कलेक्ट करके दें। This is wonderful. ये तो बहुत अच्छा काम है। कोशिश करते हैं। और Amazon से लिंक है हमारा। Amazon पे ऑनलाइन अच्छा चल रहा है बिजनेस। मैं आपके, लेकिन मैं चाहती हूँ पर्सनली दुकान पे आए ताकि मैं उनसे फेस टू फेस बात करके बताऊँ इस बुक पे क्या है, ये बुक क्यों पढ़नी है। आपके सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूँगा, आपका लोकेशन भी शेयर करूँगा शंकर मार्केट में कहाँ पे है, ताकि रीडर्स को पता चले और वो आए। आपने इतना अच्छा हमको समझा, हमारी बुक शॉप को समझा, ठीक आप आए। अभी उमा भारत सिक्किम के चीफ मिनिस्टर आए जी, वो यहाँ बैठे थे और बाहर उनके 10-15 बॉडीगार्ड होंगे। मेरे हस्बैंड ने सबको एक एक हनुमान चालीसा गिफ्ट की। अच्छा, ओके। और मेरा बेटा भी जब इंटरव्यू देने गया ना, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पब्लिक इस ओर आए, समझे कि हमारे हमारे गॉड कैसे हैं, हमारी गॉडेसेस कैसी हैं। तो उसको जब वहाँ पे वीजा नहीं मिल रहा था, एक दिन नहीं मिला, नेक्स्ट डे वो भी हनुमान चालीसा लेके गया और काउंटर पे उसको गिफ्ट करके आया, जब उसको वहाँ का वीजा मिला USA का। जी मैम,
जैसे आप बता रहे थे कि आपके बेटे ने भी शायद बुक्स इंटरेस्ट है उसको भी बुक्स में ऑनलाइन okay. सारी वही डाल रहा है उसने इन दोनों को ट्रेन कर दिया चंद्रशेखर है 2002 से है okay. शेजी है okay. 2017 में भी था फिर पढ़ाई के लिए चले गया 2019 से okay. okay. क्यों कहता है मुझे यहाँ पर ही मन लगता है बुक शॉप में ओके okay. और यही आपकी दुनिया है और इसी को आप आगे ले जाना चाहते हैं मैं हस्बैंड के साथ आई होती तो मैं और आगे बढ़ गई होती लेकिन मुझे बच्चों को पढ़ाना था जी बेटे को भी पायलट बनाया बेटी को जो उसको शौक था उसका भी शौक पूरा किया थैंक यू सो मच मैम थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट आर्ट कीपर सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर लव्ड वंस स्टे विद आर्ट कीपर विल बी बैक अगेन विद मोर वीडियोज थैंक यू सो मच